नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टर उपाध्याय। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जब से अनुष्का शर्मा के प्रोडक्शन तले बनी वेब सीरीज पाताल लोक रिलीज हुई है, तब से ही वो विवादों में चल रही है। पाताल लोक में कई ऐसे विवादित बोल हैं और सीन दिखाए गए हैं जिसके चलते इस वेब सीरीज पर पुलिस की गलत छवि पेश करने, हिंदू विरोधी, ब्राह्मण विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं और इसे बैन करने की भी मांग की गई है। यही नहीं बल्कि इस वेब सीरीज के कंटेंट को लेकर लोग इतने खफा हैं कि अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के खिलाफ कई जगह पुलिस थाने में केस भी दर्ज कराया गया है। ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने विराट कोहली से सच्चे देशभक्त होने के नाते अनुष्का शर्मा को तलाक देने की मांग तक कर डाली। इस बात को हफ्ते भर भी नहीं हुए थे कि अब ट्विटर पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का तलाक ट्रेंड कर रहा है और हैशटैग अनुष्का डाइवोर्स के साथ ट्विटर पर ढेरों मीम्स छा गए हैं और 4000 से ज्यादा ट्वीट्स के साथ ये भारत का टॉप ट्रेंड भी बन गया है। इस ट्रेंड ने हर किसी को सकते में डाल दिया है और ट्विटर पर दावा किया जा रहा है कि विराट कोहली ने पाताल लोक वेब सीरीज के विवाद के चलते अनुष्का शर्मा को तलाक दे दिया है। फिर क्या था, हमने इस खबर की पड़ताल की तो पता चला कि ये सिर्फ एक अफवाह है। इस अफवाह का आधार जुड़ा हुआ है 2016 की एक वायरल न्यूज से जिसमें दोनों के एक दूसरे से अलग होने की खबर थी। यहां तक कि इंडिया टुडे की वेबसाइट पर भी इससे जुड़ा एक आर्टिकल लगाया गया था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा का ब्रेकअप। इस तरह की पुरानी खबरें शेयर करते हुए ट्विटर पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के तलाक का हैशटैग ट्रेंड हो रहा है। आइए अब आपको बताते हैं कि 2016 में विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के बीच क्या हुआ था। दरअसल अनुष्का विराट की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। दोनों ने कुछ समय तक अपने रिलेशन पर पर्दा रखा था लेकिन बाद में दोनों साथ नजर आने लगी, मगर कुछ सालों बाद दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया से अनफॉलो कर दिया। खबरें थी कि दोनों अलग हो चुके हैं। एक मैच के दौरान विराट कोहली के अच्छा ना परफॉर्मेंस करने की वजह उनके फैन ने ब्रेकअप बताया, जिसके बाद अनुष्का को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। विराट ने बाद में अनुष्का का समर्थन किया था। कुछ समय बाद दोनों फिर साथ आ गए और इस बार मामला शादी तक पहुंच गया। अनुष्का और विराट ने 11 दिसंबर 2017 को शादी कर ली। इटली में हुई शादी में दोनों के करीबी दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए थे। फिलहाल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इन दिनों लॉकडाउन में एक साथ समय बिता रहे हैं और दोनों एक दूसरे की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तरफ से तलाक की ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई है, इसलिए सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के तलाक को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं वो एकदम फर्जी साबित हुए हैं। ऐसी तमाम तरह की फर्जी खबरों का खुलासा पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।